हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास में इस कंपनी का शेयर है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 2484 करोड़ रुपीस का है और कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है ये 21.49 रुपीज है। कंपनी का 52 वीक का हाई 31.88 रुपीज था। अब एक बार हम कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है इसको देखते हैं। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग 0.48% की है और आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर के अंदर इनकी शेयर होल्डिंग के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग 2.73% की है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 29.42% की है और आप देख सकते हैं कि पिछले दो क्वार्टर के अंदर इस कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अंदर कमी हुई है। कंपनी के अंदर रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग 67.37% की है। अब एक बार हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। कंपनी का पीई रेशो 46.74 का है और इस सेक्टर का जो पीई रेशो है ये 24.74 का है। कंपनी का पीबी रेशो 2.43 का है। कंपनी का आरओई -0.67% का है। कंपनी का आरओसीई -0.39% का है। ये कंपनी अपने निवेशकों को कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.09 का है। अब एक बार हम कंपनी की प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो पहले हम कंपनी की ईयर वाइज प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देखेंगे। तो दोस्तों, यहां पे हम ये देखते हैं कि 2024 में कंपनी ने 38 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है जबकि 2023 में कंपनी ने 33 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। यानी कि 2023 की तुलना 2024 में कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। अभी दोस्तों, पिछले 3 साल से कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि 2013 से लेके 2019 तक लगातार हर साल कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद में 2020 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2021 में कंपनी दोबारा से लॉस में थी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अभी पिछले 3 साल से कंपनी जो है लगातार हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब एक बार हम कंपनी की क्वार्टर वाइज प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जून 2024 के क्वार्टर में कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है जबकि जून 2023 में कंपनी ने 9.29 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कि जून 2023 की तुलना जून 2024 में कंपनी ने कम प्रॉफिट जनरेट किया है। अब एक बार हम कंपनी के शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो 2010 से लेकर अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को -48% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 834% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 55% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने -8% का रिटर्न दिया है और लास्ट के 1 मंथ में कंपनी ने अपने निवेशकों को 0.09% का रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज से लगभग लगभग 5 साल पहले कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये लगभग 32 रुपीज तक पहुंचा था। यानी कि 2 रुपए से लेके 32 रुपए का सफर कंपनी ने अपने पिछले 5 साल के अंदर किया है। अभी आपने ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देखे हैं। आपने यहाँ पर यह देखा कि कंपनी के अंदर हमें 4 तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का पीई रेशियो हाई है। कंपनी कोई भी डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं देती है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी हमें लो देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कंपनी की प्रॉफिट लॉस की तो क्वार्टर वाइज कंपनी ने पिछले क्वार्टर की तुलना में कम प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन ईयर वाइज कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर हम बात करें कंपनी की शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न के बारे में तो दोस्तों यहां पर हम ये देखते हैं कि कंपनी की शेयर मार्केट की रिटर्न के अंदर बहुत सारे हमें अप डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि पिछले 5 साल के अंदर और 1 साल के अंदर कंपनी ने अपने निवेशकों को बहुत ही अच्छा रिटर्न
दिया है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का शेयर किसी टाइम पे 2 रुपए का हो गया था, उसके बाद में 32 रुपए का हो गया और अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये 21.49 रुपीज है। तो क्या दोबारा से कंपनी का जो शेयर है ये 32 रुपए के आंकड़े को पार करता है या फिर नहीं करता है? आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिएगा और खुद भी एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से रिसर्च और स्टडी जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए टाटा।